दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल इंडिपेंडेंट में प्रकाशित लेख व्हाट डज शिंजो अबेज इलेक्शन विन मीन फॉर जापान और scroll.in में प्रकाशित लेख अबेज मैसिव विन इन जापान कुड वर्सन प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस विथ नॉर्थ कोरिया एंड चाइना के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में शिंजो अबे की वापसी के मायने। हाल ही में जापान में हुए मध्यावधि चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिंजो अबे को बड़ी जीत मिली है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जापानी संसद के निचले सदन में कुल 465 सीटों में से 313 पर जीत हासिल की। किंतु ऐसे क्या कारण रहे कि पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में प्रधानमंत्री चुने जाने के बावजूद शिंजो अबे ने मध्यावधि चुनाव करवाने का फैसला लिया। जब सितंबर में शिंजो अबे ने देश में मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की तो इसने जापानी जनता को हैरत में डाल दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनाव के नजदीक आते आते लोगों को इस निर्णय के बीज दिखाई देने लगे थे। ये बीज क्या थे? ये बीज थे शिंजो अबे द्वारा अपने प्रत्येक भाषण में अनुच्छेद 9 का जिक्र किया जाना, अनुच्छेद 9 में संशोधन करने की नीति पर विचार करने को कहा जाना। शिंजो अबे का एजेंडा सुरक्षा बजट में भी दिखाई दिया जब उनके वित्त मंत्री ने अगस्त में रक्षा बजट पेश करते हुए पहले के मुकाबले बजट कहीं अधिक स्तर तक बढ़ा दिया। जापानी संविधान के अनुसार रक्षा बजट कभी भी GDP के 1% से अधिक नहीं हो सकता है। खुद शिंजो अबे ने अनुच्छेद 9 में संशोधन की संभावना तलाशने के लिए देश की जनता का रुख जानना चाहा। चूंकि अब शिंजो अबे फिर से पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत गए हैं तो क्या अनुच्छेद 9 में संशोधन करने का रास्ता साफ हो गया है? क्या यह इतना आसान है कि जिस अनुच्छेद से जापानी जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी है उसे बदल दिया जाएगा? क्या उन नीतियों को बदल दिया जाएगा जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के बाद आई तबाही के बाद युद्ध त्याग व विश्व शांति की स्थापना के लिए बनाई गई थी? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, किंतु हम अनुच्छेद 9 से जुड़ी जापानी संविधान की नीतियों व उसमें संभावित बदलाव की स्थिति का अवलोकन जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 9 क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद जापान में बने संविधान के कारण जापान को दुनिया भर में एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। संविधान को जापान द्वारा मई 1947 में लागू किया गया। संविधान का अनुच्छेद 9 जो कि युद्ध का परित्याग करता है अपने आप में मौलिक प्रावधान है। जापान के संविधान के अनुसार जैतई सेल्फ डिफेंस फोर्स एयर SDF मैरिटाइम SDF और ग्राउंड SDF की अनुमति है। उन्हें भूमि समुद्र और वायु सेना यानी कि हथियार युक्त सेना नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुच्छेद 9 इसकी स्पष्ट मनाही करता है। हालांकि कई बार SDF की स्थापना को अनुच्छेद 9 का उल्लंघन माना गया है। बहुतों का मानना है कि SDF एक हथियार युक्त बल ही है और असंवैधानिक है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस व्यवस्था की व्याख्या कुछ इस तरह करती है जिससे अनुच्छेद 9 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता। कुल मिलाकर अनुच्छेद 9 युद्ध का परित्याग करता है, इसी कारण जापानी संविधान शांतिवादी संविधान कहलाता है। अब उन कारणों को देखते हैं जो अनुच्छेद 9 में संशोधन करने हेतु बन रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब जापान संविधान के तहत युद्ध का परित्याग करता है तो उस पर होने वाले आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 9 जापान के पास कोई सैन्य शक्ति व साजो सामान रखने का निषेध करता है। इस सवाल का जवाब है कि अमेरिका के कहने पर जापान ने अनुच्छेद 9 को अपनाया था तथा साथ ही अमेरिका ने जापान को बाहरी ताकतों से सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ली थी। इस जिम्मेदारी के तहत न केवल अमेरिका ने यह कहा कि वह जापान को खतरों से बचाएगा बल्कि ऐसे कार्य करने या ऐसी नीति बनाने से भी परहेज करेगा जो कि जापान के लिए खतरा उत्पन्न करें। अब सवाल है कि ऐसी किन परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है जिनके कारण जापान अमेरिका पर भरोसा न कर खुद हथियार संपन्न राष्ट्र बन जाना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। दरअसल इन सभी सवालों की जड़ें व उनके जवाब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने में छिपे हैं।
और साथ ही छिपे हैं चीन के आक्रामक रवैये में, जो कि दक्षिण चीन सागर विवाद के मद्देनजर देखने को मिलता है। आज विश्व इस बात का साक्षी है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तब से वे लगातार भड़काऊ भाषण देते आ रहे हैं, खासकर उत्तरी कोरिया व उसके शासक किम जोंग उन के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन को फैट बॉय तक कहकर संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी असंयमित भाषा का प्रयोग करने से परहेज नहीं किया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मध्य संबंध बेहद तनावपूर्ण और युद्ध की स्थिति तक ले जाने वाले बन गए। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करते हुए कई परमाणु परीक्षण कर चुका है। इन परमाणु परीक्षणों ने सारी दुनिया को अचंभे में और डर के साए में ला दिया है, किंतु सबसे अधिक चिंता का विषय जापान के लिए है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो परीक्षण किए वे जापानी सागर से बहुत दूर नहीं थे। विश्लेषकों की माने तो जापान को पता था कि यदि अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए तो सबसे पहले इसके गंभीर परिणाम जापान को ही भुगतने पड़ेंगे, और यह होता हुआ नजर भी आ रहा है। ज्यों ज्यों अमेरिका उत्तर कोरिया पर दबाव बना रहा है, त्यों त्यों उत्तर कोरिया जापान को लेकर नजरें टेढ़ी करता जा रहा है। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में जापान के ऊपर से दो मिसाइलों को छोड़े जाने का यही कारण माना जा रहा है। उपरोक्त कारणों व स्थितियों ने भी जापानी जनता के कुछ वर्गों तथा प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 9 में बदलाव लाने की नीतियों पर विचार करने का बल प्रदान किया है। अगर दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो इस क्षेत्र में जापान चीन के मध्य हितों का टकराव साफ दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी चीन सागर जापानी द्वीप ओकिनावा के साथ दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ओकिनावा द्वीप पर जापानी नियंत्रण है। यह द्वीपीय क्षेत्र गैस, खनिजों, मछली उद्योग इत्यादि के आधार पर एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। जाहिर सी बात है कि जापान चाहेगा कि कभी भी चीन जैसे विस्तारवादी देश का नियंत्रण दक्षिण चीन सागर तथा उससे आगे विस्तारित न हो। यहाँ यह भी बताते चलें कि जापान चीन के मध्य इसके अलावा सेनकाकू द्वीप को लेकर भी पहले से विवाद विद्यमान है। यह द्वीप पूर्वी चीन सागर के पास स्थित है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब कुछ माह पहले चीन ने अपनी सैनिक गतिविधि द्वीप के आसपास तेज कर दी। इस तरह जापान के हित यहाँ चीन के साथ टकराते हैं। हमेशा से ही दोनों राष्ट्र अपना अपना हक इस क्षेत्र पर जताते रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से जापान का सेना निर्माण का विचार पुख्ता होना लाजमी है। यदि एक और अन्य भू राजनीतिक पहलू पर बात करें तो यह है कि जापान मध्य एशिया, हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी आर्थिक सामरिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। जापान और अमेरिका का बीते कुछ दशकों से दक्षिण एशिया में चीन के उभार को भारत के माध्यम से प्रतिसंतुलित करने पर जोर दिया गया है। इस क्षेत्र में भी जापान अपने आप को भू राजनीतिक मायनों से मजबूत स्थिति में लाना चाहता है, ताकि वह दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर में शक्ति संतुलन स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सके। इन कयासों के सबूत हमें मिलते भी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2016 में जापान की यात्रा पर गए थे तो शिंजो अबे ने भारत के साथ अफगानिस्तान में आर्थिक सहयोग करने की इच्छा जताई थी। इस तरह के पहलों के संदर्भ चीन को एशिया और हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुत्व बनाने से रोकना ही है। तमाम बातों और भू राजनीतिक तत्वों का विश्लेषण करने के बाद भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि जापान के लिए अनुच्छेद 9 में बदलाव करना कितना आसान है। भले ही शिंजो अबे व उनकी पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई है, किंतु इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह एकाएक अनुच्छेद 9 में संशोधन कर देगी। जापानी जानकार मानते हैं कि इस भारी जीत के बावजूद युद्ध विरोधी संविधान में बदलाव लाना खुद सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जापान के पास सैन्य ताकत के रहते हिरोशिमा व नागासाकी का बुरा हश्र देख चुकी जनता इस मुद्दे पर बुरी तरह बटी हुई है। मानवाधिकार से संबंधित समस्त एनजीओ तथा शांति प्रेमी दल सब एकजुट होकर इस बदलाव के विरुद्ध खड़े हुए दिखाई देते हैं। विश्लेषकों का यह मानना है कि शिंजो अबे पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए तो हैं, किंतु चुनाव में मतदान का प्रतिशत लगभग 53% ही रहा है। यह मतदान का प्रतिशत इस बात की ओर इशारा करता है कि लगभग आधी जापानी जनता ने इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया।
इस प्रकार यह दावा निरर्थक प्रतीत होता है कि शिंजो अबे को भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। आलोचकों द्वारा यह भी कहा गया कि शिंजो अबे ने अचानक से चुनाव की घोषणा की थी, जिसने कई धड़ों में बंटे विपक्ष व उसकी अधूरी तैयारी के कारण लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का जीतना और भी आसान बना दिया। यह तथ्य कुछ स्तर तक शिंजो अबे की जीत की खुशी को फीका करने के लिए काफी है। अब सवाल है कि जापानी संविधान में चल रही बदलाव के बयार को लेकर भारत का क्या रुख है। स्पष्ट तौर पर भारत ने अपना मत तो प्रकट नहीं किया है, किंतु वर्तमान में भारत जापान के बीच पनपते बेहतर रिश्ते और विश्वास की पृष्ठभूमि में ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी के लिए भारत मूक सहमति प्रदान किए हुए है। इस मूक सहमति के कई कारण दृष्टिगत होते हैं, जैसे कि जापान द्वारा भारत में बड़े स्तर पर आर्थिक और तकनीकी निवेश किया जाना। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जापान द्वारा भारत में बुलेट ट्रेन का विकास किया जाना है। यदि वैश्विक स्तर की बात की जाए तो वहां भी दोनों राष्ट्रों के मध्य अच्छे संबंध हैं। MTCR में भारत के प्रवेश का मुद्दा रहा हो या अभी हाल ही में चीन भारत भूटान के मध्य दोकलाम पर बने स्टैंड ऑफ की स्थिति, दोनों ही मौकों पर जापान भारत के साथ नजर आया। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि आज भारत जापान के मध्य अच्छे संबंधों का होना दोनों राष्ट्रों के लिए बेहद जरूरी भी है, ताकि चीन जैसे राष्ट्र को चुनौती प्रदान की जा सके। इन तमाम बातों की पृष्ठभूमि में हमें उन अंतर्राष्ट्रीय आशाओं तथा सपनों का जिक्र भी कर लेना चाहिए, जिन्हें शांति प्रेमियों व खासकर खुद जापान ने देखा था। हथियार मुक्त विश्व एक ऐसा ही सपना है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गंभीर प्रयास किए गए। अमेरिकी परमाणु हमले ने जापान में ऐसी तबाही मचाई थी जिससे विश्व के प्रत्येक नागरिक को नफरत होने लगी, क्योंकि लाखों लोगों को इस युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी, तथा साथ ही हिरोशिमा व नागासाकी के लोगों को कई दशकों तक उस परमाणु हमले के परिणाम भुगतने पड़े। शीत युद्ध की समाप्ति तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व के मध्य निःशस्त्रीकरण हेतु सहमति बनी और उस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए, किंतु ये प्रयास अधूरे ही रहे। वे प्रयोग केवल तत्कालीन तनाव को कम करने के लिए तो उपयुक्त थे, किंतु विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के लिए नहीं। सच बात तो यह है कि विश्व का कोई भी देश अपने हथियारों के जखीरों का समूल नाश करने को लेकर तैयार नहीं दिखता। इसका कारण विश्व पर अपनी धौंस जमाए रखना तथा अपने देश को सुपर पावर के रूप में दिखाना है, और वह राष्ट्र दिखाना चाहता है कि वही शक्ति का केंद्र है। तो इस बीच भला कैसे शांति निर्माण की बातें की जा सकती हैं? क्यों कोई जापान अपने पैरों पर खड़ा न हो और उत्तरी कोरिया एवं चीन जैसे आक्रामक देशों से युद्ध की स्थिति से निपटने के उपायों पर विचार न करे? क्या गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी वाले देश भारत ने परमाणु कार्यक्रम विकसित नहीं किए हैं? भारत ने भी ऐसा किया क्योंकि भारत को भी स्वयं की रक्षा करने योग्य बनाना था। भारत के ऊपर चीन ने 1962 में हमला कर संदेश दे दिया था कि वह कभी भी भारत पर युद्ध थोप सकता है, इसलिए तमाम पंचशील और अहिंसा पर आधारित आदर्शों से समझौता करते हुए भारत ने अपना परमाणु विकास कार्यक्रम चलाया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वह दुश्मन से अपनी रक्षा कर सके, और यही सब जापान भी करना चाह रहा है। हालांकि इस तरह के प्रयास अंततः विश्व को विध्वंस की ओर धकेल रहे हैं और साथ ही उन आकांक्षाओं को मार रहे हैं जो कि शांति प्रेमियों ने देखी है। ये बात जाकर कोई उनसे पूछे जिन्होंने परमाणु बम का परिणाम सहा। जापान जैसा देश ही उन सभी संस्थाओं और लोगों के लिए प्रेरक है जो दुनिया को हथियारों से मुक्त बनाना चाहते हैं। तो क्या जापान द्वारा मानवतावाद, पूर्ण निःशस्त्रीकरण और शांतिमय विश्व की उम्मीदों को खत्म किया जा रहा है? उपरोक्त सवालों के जवाब तब तक नहीं हासिल किए जा सकते जब तक कि सभी देश मिलकर परमाणु मुक्त विश्व और पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बातों को अमल में लाने का प्रयास नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राष्ट्र अपने हितों की बलि नहीं देना चाहता है, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यावहारिक पहलू है। इस बीच सभी नैतिक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्याह काले यथार्थ में दबे रह जाते हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, जापानी संविधान के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा अनुच्छेद 9 क्या है?
जापान सरकार किन वजहों से अनुच्छेद 9 में संशोधन करना चाहती है, समझाइए।